Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kriyashari, and today I am going to explain you the functions of Jatragni, Bhutagni and Dhatvagni. So first we will take Jatragni. So Jatragni jo hai iske synonyms ke andar jo na Pachkagni ko hi jo na Jatragni kaha gaya hai. Pachkagni ho chahe Pachakpit ho, usi ko Jatragni kaha gaya hai aur iska jo location iske site iske sthan jo hota hai. वो जो शास्त्रों के अंदर और आचार्यों ने इसको जो है ना आमाशय के अंदर बताया गया है, जो भी डाइजेस्टिव फायर है उसी को जो है ना जठराग्नि कहा गया है। और अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से इसकी चार टाइप बताए गए जठराग्नि की, जैसे समाग्नि, विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि। जैसे कि अगर डाइजेस्टिव फायर, अगर हमारे डाइजेस्टिव फायर जो है वो अगर बैलेंस स्टेट में रहती है, ठीक है ना, तो उसको समाग्नि कहा जाएगा। अगर वो इम्बैलेंस स्टेट में रहेगी तो विषमाग्नि कहेंगे, और अगर बहुत इंटेंसिव और बहुत तीक्ष्ण रहेगी तो उसको तीक्ष्णाग्नि जो है ना तीक्ष्णाग्नि बोला जाता है। और अगर बहुत क्षीण अवस्था में रहेगी, ठीक है ना, लो पोटेंसी के अंदर रहेगी तो उसको मंदाग्नि कहते हैं। एंड सर्वे रोगा अभी मंदाग्नि जानते, इट मीन्स शरीर के अंदर जो भी हमारे व्याधियाँ होती हैं उन सभी का जो है मेन कारण जो होता है ना वो मंदाग्नि होता है, यानी कि पुअर डाइजेस्टिव फायर। अभी आप इसके फंक्शंस में क्या रहेगा, फर्स्ट जो है कि मेन फंक्शन जठराग्नि का होता है डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स, कि जो आहार जो लेते हैं उसका पचन करना, उसके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स से उसको जो है ना तोड़ के और उसको ब्रेक डाउन करके और उसको जो है सिंपलर जो है ना फॉर्म के अंदर लेके आना, ये इसका मेन फंक्शन तो जठराग्नि का। और ये जो है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री डक्ट जो है उसी लेवल के ऊपर जो है ना ये होता है ये। नेक्स्ट ये रहता है कि एक तो जो फूड पार्टिकल जो हम लेते हैं, उस आहार जो लेते हैं आहार रस को, उसको डाइजेस्ट करके अवस्था पाकी तक, विपाक स्टेज तक जो है ना ये लेके जाते हैं जठराग्नि। नेक्स्ट फंक्शन क्या बताया है कि ये जो आहार रस जो लेते हैं उसको विपाक में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो है कन्वर्ट करती है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमल रस, नॉट अमल रस, लवण रस, ठीक है ना, जठराग्नि जब लवण रस पे एक्शन करती है और आफ्टर डाइजेशन लवण रस विल ट्रांसफॉर्म इनटू मधुर विपाक। इन द सेम वे तिक्त और कषाय रस जो है वो भी डाइजेशन के बाद, जठराग्नि पाक के बाद जो है ना वो भी जो है कटु विपाक के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन कुछ रस ऐसे हैं जो कि डाइजेशन के बाद भी, यानी कि आफ्टर पचन ऑल्सो जो है वो अपनी जो मेन क्वांटिटी, मेन जो क्वालिटी है उनको नहीं छोड़ते, जैसे मधुर और अम्ल रस। क्योंकि मधुर रस, मधुर और अम्ल रस जो है डाइजेशन के बाद भी, पाचन के बाद भी जो है ना सेम मधुर विपाक के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। और इन द सेम वे अम्ल रस भी जो है ना आफ्टर डाइजेशन अम्ल विपाक के अंदर ही जो है ना ये ट्रांसफॉर्म होता है। नाउ द भूताग्नि, भूताग्नि सून आफ्टर द जठराग्नि पाक गेट्स कंप्लीटेड द भूताग्नि पाक फेज विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे कि जैसे ही जो जठराग्नि पाक खत्म की स्टेज खत्म होती है उसके बाद तुरंत से जो है ना भूताग्नि पाक जो शुरू हो जाता है। इसमें पांच तरह की भूताग्नि बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू पंच महाभूत, जैसे आकाशाग्नि, वायव्याग्नि, तेजसाग्नि, पार्थिव्याग्नि और आप्याग्नि, तेजसाग्नि, ठीक है। और इसके फंक्शंस ऑफ भूताग्नि क्या रहेंगे, फर्स्ट ऑफ फंक्शन ये रहता है कि भूताग्नि जो है जो भी पांच भौतिक कंटेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं फूड पार्टिकल्स के, उनको उनके गुणों को रिलीज करने में हेल्प करती है। यानी कि दिस अग्नि मेक्स पांच भौतिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्टिकल टू रिलीज देयर ओन क्वालिटीज, व्हाइल द जठराग्नि ओनली डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वन, एंड ऑल दिस हैपेंस एट द लेवल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट नंबर टू इसमें फंक्शंस में रहेगा कि ये जो है पृथ्वी और जल महाभूत जो है उनको फर्स्ट अवस्था पाक के अंदर जो है ना स्टेज में उनको बनाती है ये। और थर्ड वन रहेगा कि मधुर रस और कफ दोष जो है वो इसी अवस्था पाक के दौरान जो है ना जनरेट होते हैं, यानी कि जो है जनरेशन ऑफ मधुर रस एज वेल एज कफ दोष विल गेट जनरेटेड इन दिस जो है भूताग्नि पाक अवस्था ओनली। नाउ थर्ड वन इज धातुवाग्नि आर सेवन इन नंबर सपोर्टेड टू सेवन धातु, यानी जो सात धातु हमारे शरीर में बताई गई है उनके हिसाब से, उनके अनुसार जो है ये धातुवाग्नि जो है सात होती हैं, जैसे रक्ताग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, मज्जाग्नि, अस्थिग्नि, शुक्राग्नि। नाउ द फंक्शंस ऑफ धातुवाग्नि, फंक्शन धातुवाग्नि रहेगा कि ये परफॉर्म्स करती है नरिशमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द धातु। एक फर्स्ट वन है कि धातुवाग्नि हेल्प्स इन डाइजेशन एज टू अक्वायर द न्यूट्रिएंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ धातु, यानी धातु की नरिशमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने के लिए डाइजेशन करती है।
Actually, Dhatu Agni mainly performs the functioning for the maintenance of Dhatu. And third one is, it is not only perform the synthesis of new tissue, ये सिर्फ नए टिश्यू को ही नहीं बनाती, बट जो पुराने टिश्यू हैं उनकी नरिशमेंट और उनके मेंटेनेंस को भी जो है ना ये धातु अग्नि ही करती है। तो इसलिए जो है इन टोटल हम ये कह सकते हैं धातु अग्नि का मेन फंक्शन जो रहता है वो ये है कि जो भी धातु हमारे शरीर में हैं, धातु में जो है उन सभी टिश्यूज का और धातुओं का जो नरिशमेंट और उनके मेंटेनेंस, ठीक है ना, ये इनका फंक्शन रहेगा।